Now, in this video, we are going to start with a new topic, that is treatment of manager's commission. Now, manager commission जो generally होता है वो आप profit पे calculate करते हैं, क्योंकि हमें किस में show करना होता है, profit and loss account में. तो ये generally net profit से पहले minus हो जाता है और उसके बाद हम इसको profit and loss appropriation account में दिखाते हैं. तो how we are going to show this particular manager commission, we are going to talk about it with the help of a question. Now, question क्या कहता है? अनमोल एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2. और कैपिटल कितना है? विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली. ना पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट 6% पर एनम एंड भारत इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹30,000. ना ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 द नेट प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी मीन्स इनको कैलकुलेट करने से पहले वॉज ₹1,90,000. अ प्रोविजन ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर. यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस. सो बिफोर सो लेट अस डू दिट. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2019. Rupees particular. पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कमीशन. यहाँ पे वर्क चाहो तो वर्किंग नोट बना लो, छोटा सा बनेगा वर्किंग नोट में. दैट इज मैनेजर्स कमीशन, जो कि हमें कैलकुलेट करना है किस पे? नेट प्रॉफिट 1,90,000 पे कितना परसेंट? 10%, जो कि कितना आया? दैट इज ₹19,000. तो जब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो कि होगा 1,90,000 -19,000. तो अगर कंपनी क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन के बारे में मेंशन है तो उसको आप पहले से माइनस कर दोगे फ्रॉम द नेट प्रॉफिट और तब उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे. और उसके बाद जैसे बाकी क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे. तो सबसे पहले लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि किस कैपिटल अकाउंट अमाउंट पे होता है. तो अनमोल कैपिटल कितना था? 3 लाख. 3 लाख का कितना परसेंट? 6%, क्योंकि कितना आएगा? 18,000 रुपीज. और भारत का कैपिटल कितना था? 2 लाख. उसको कितना परसेंट? 6%, जो कि कितना आएगा? 12,000 रुपीज. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 30,000. फिर भारत को सैलरी मिलेगी तो टू सैलरी अकाउंट भारत को कितनी मिलेगी? दैट इज 30,000 विच इज टू बी गिवन टू हिम. तो 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया. मेरे पास कितना बचा? 1,11,000, जो कि हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2. तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अनमोल्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज ₹66,600 आएगा. एंड भारत कैपिटल अकाउंट, दैट इज 44,400. दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1,11,000. तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होगा? बैलेंस रहेगा. तो दिस इज हाउ यू शुड डू द मैनेजर कमीशंस क्वेश्चन. इसके साथ हमने क्या किया कि सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जो कि हमें यूटिलाइज करने होते हैं जब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है. तो
हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू सम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जल्दी आते हैं, अगर वो आते हैं तो 6 नंबर के आते हैं. तो हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दिस स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स अगर आपके बेस मजबूत रहेंगे, आगे जब आप एडमिशन करेंगे या इसी बेसिस रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको सीधे चीज़ें आसान होंगी. इसीलिए मैंने ये छोटे 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 टॉपिक्स जो भी आपके फंडामेंटल्स में मैंने बताया. तो नाउ वी आर गोइंग टू डू वन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे ताकि सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो सकें. नाउ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ ₹4,75,000, ₹3,00,000 and ₹1,80,000 as on 1st April 2018. During the year 2018-19, X contributed additional capital of ₹50,000 on 1st October 2018. माने X ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल 50,000, कब इंट्रोड्यूस किया? 1st October 2018. और Y ने कंट्रीब्यूट किया कैपिटल 80,000 on 1st January 2019. Now their drawings were X का 10,000, Y का 5,000 and Z का 5,000. The partnership deed provides that, point number one, interest on capital to be provided at the rate 5% per annum. Point number two, interest on partners' drawing should be also be provided at the rate 10% per annum. Point number three, Z is entitled to a salary of ₹23,000 per annum. Point number four, X is entitled to a commission at the rate 10% on the profit before charging the above provision. Point number 5, Y is entitled to a commission at the rate 10% on the profit after charging the above provision and after charging his own commission. And point number 6, that you have to create 25% of the profit should be transferred to the reserve. Now profit for the year amounted to ₹3,00,000. From the above particular prepare, you have to prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019. So now we are going to prepare profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019. Rupees particulars. So the company's net profit, that is by net profit, company's is ₹3,00,000. Now the interest on capital, now for calculating interest on capital, we have to create a working note. Why? Because there X has introduced a capital and Y also has introduced a capital. So working capital, working note where you are going to calculate capital, interest on capital. All the working notes are compulsory that you have to show while doing. So first X interest on capital. Now first we will have the capital was ₹4,75,000, which is from 1st April 2018 to 31st March 2019. That was how much rupees? ₹4,75,000, on which you are going to calculate 5%. So how much it will come as? That is rupees. ₹23,750, which you have calculated on 4 lakh. Then he introduced on 1st October 2018, he introduced an additional capital, that is ₹50,000 till 31st March. So we are going to calculate the interest on capital till 31st March. From first, that is ₹50,000 ka 5%. कितने महीने के लिए? 6 months के लिए. जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा? दैट इज रुपीज 1250. सो द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज टू बी गिवन टू एक्स, दैट इज रुपीज 25,000. इसी तरीके से वाई का
इंटरेस्ट ऑन कैप्टन वाय ने तो कुछ इंट्रोड्यूस किया नहीं था, वाय ने कुछ इंट्रोड्यूस किया नहीं था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा पूरे साल का होगा दैट इज रुपीज 3 लाख, कैपिटल था उसका 5%, क्योंकि कितना आया 15,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड टू वाय दैट इज 15,000, और जेड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट अप्रैल से 2018 से 31st मार्च 2019 जो कि था 1,80,000 पे 5% जो कि हुआ 9,000, और उसने 1 जनवरी को 80,000 और इंट्रोड्यूस किया, तो 3 महीने के लिए हम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2019 टिल 31st मार्च 2019, दैट इज 80,000 जो इंट्रोड्यूस किया उस पर 5% कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो कि कितना आएगा दैट इज 21,000, तो वाई को एक्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा टोटल 10,000, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को मिला 25,000, वाई को मिला 15,000, जेड को मिला 10,000, टोटल कितना हुआ 30,000. पॉइंट नंबर टू दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%, बट यहाँ पे मेंशन नहीं कि बिगनिंग एंड अ मिडिल, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं एवरेज बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि कहा था 10%, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स की ड्राइंग कितनी थी दैट इज रुपीज 10,000, कितना परसेंट 10% इंटू 6/12, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा दैट इज रुपीज 500, वाई की ड्राइंग थी 5,000, कितना परसेंट 10%, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, कितना आएगा 6/12 दे रहे हैं, 6/12 लेते, 6 महीने की बात नहीं है, एवरेज में एवरेज पीरियड है, इसलिए 5,000 कैलकुलेट किया था, विड्रॉ किया था, ड्राइंग की थी इंटू 6/12 तो कितना है 250, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विच इज बीइंग गिवन बाय एक्स वाई एंड जेड दैट इज रुपीज 1,000. ना पॉइंट नंबर 3 जेड को सैलरी मिलेगी दैट इज 23,000, तो टू जेड्स सैलरी अकाउंट दैट इज रुपीज 23,000. फिर पॉइंट नंबर 4 एक्स को हम कमीशन देंगे 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द अबव कमीशन, तो हम क्या करेंगे एक्स का कमीशन कैलकुलेट करेंगे ऑन द प्रॉफिट, उसमें ये नहीं कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जेड सैलरी माइनस करना है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, आप सीधे क्या करोगे नेट प्रॉफिट पे करोगे, तो टू एक्स कमीशन में कैलकुलेट करके शुरू कर देगा 3 लाख पे आप कितना दोगे 10%, दैट इज पे 4 है तो 10/100 जो कि कितना आया 30,000. इसी तरीके से वाई कमीशन तो 2 वाई कमीशन, बट यहाँ पे कहा है आफ्टर चार्जिंग दबा माइनस आफ्टर चार्जिंग इज ओन कमीशन, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगे जो कैलकुलेट होगा वो 3 लाख माइनस 1,03,000 पे कितना परसेंट दैट इज 10% बाय 100+10 दैट इज 110, जो हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा दैट इज रुपीज 18,000. ठीक है, देन पॉइंट नंबर 6 दैट यू हैव टू ट्रांसफर 25% ऑफ द प्रॉफिट यू हैव टू ट्रांसफर टू द रिजर्व, तो टू रिजर्व अकाउंट दैट इज 3,01,000 माइनस 1,03,000
21,000 into 25 by 100, which comes as rupees 45,000. So after charging, after giving all the necessary information of the partnership deed, we can see that debit side is more than the credit side. So we are going to distribute the profit between X, Y, and Z in the ratio which is not being given. And when the ratio is not being given, then partnership act says that we have to distribute the profit equally. So two profit transferred to, so how much profit is being left? That is, when we see debit side, the credit side is more than debit side, and it is more by 1,35,000. 1,35,000 profit banega, kyunki distribute hoga X, Y, and Z mein. X kis form, kis ratio mein? Equal ratio mein. X capital account ko mila, X ko mila 45,000, Y ko mila 45,000, और Z को मिला 45,000. So this is how we are going to do the comprehensive question. Hope you will able to understand it.